Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन चंगेजी, एकदम बढ़िया सी मजेदार साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन चंगेजी बनाते हैं आज की। चलिए यह है 1 किलो तक की धोई हुई चिकन, चर्बी निकाली है, 2-3 पानी से धो के नितारने 10-15 मिनट के लिए मैंने साइड पर रख दिया था छन्नी के ऊपर। अब मैंने ये बाउल में डाल दिया है। अब इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस भी डाल दीजिए, भिज्जे मत डालिएगा, और नींबू बड़ा था जैसे आप देख सकते हैं। 3 टेबलस्पून भर कर गाढ़ी दही, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है और ना ही ठंडी है, रूम टेम्परेचर वाली दही है। 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 3 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर चुटकी भर फूड कलर में डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करके ढक कर फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। 1 कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसमें तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। अब हम गरम मसाले डाल देते हैं। तो गरम मसाले में 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा ले लीजिए, 1 बड़ी डांडी दालचीनी की, 4-5 हरी इलायची, 6-7 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 बड़ी इलायची, 5-6 काली मिर्च और 1 छोटी सी जावित्री है, 2 तेज पत्ते, 2-3 है छोटे हैं तो 2-3 डाल रही हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं। और ये सारे गरम मसालों को तेल के अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तेल के अंदर तो यहाँ पर प्याज डाल दीजिए, तकरीबन 300 ग्राम प्याज है और स्लाइस करी हुई है, इसे डालकर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए फास्ट आंच पर। तब तक फ्राई करना है जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज, बस वहाँ तक ही फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाए मतलब कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम टमाटर डाल देती हूँ, उसे भी डालकर बार बार चलाते हुए 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कर लें, और बाकी का जो 3-4 मिनट है ना आप ढक कर उसे धीमी आंच पर पकने रहने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो हमारे टमाटर है ना अच्छे नम नहीं हो जाते और गलने टाइप जैसे नहीं हो जाए तब तक। चलिए 4-5 मिनट हो गई है, टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे नम हो चुके हैं, मैं प्रेस कर रही हूँ, देखिए सॉफ्ट हो गए ना एकदम, हल्का सा मैं प्रेस भी कर रही हूँ हमारे स्पैचुला से। तो अब मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडे हो जाए प्याज और टमाटर वाला तो यहाँ इसे नितार कर मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। तब तक पीसिए जब तक एकदम पेस्ट ना हो जाइए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 20-22 काजू को ना थोड़े से पानी में भिगा कर रख दिया था, तो छोटा सा मिक्सर जार लीजिए उसमें डाल दीजिए पानी के साथ और इस तरीके से पीस कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो हमारी ये मैरिनेट करी हुई चिकन के पीसेस सारे इस तरीके से लगा दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो बैचेस में फ्राई कर सकते हैं अगर आपका इतना बड़ा फ्राई पैन ना हो तो। ये मसाले को मैं साइड पर रख देती हूँ और अब फास्ट आंच पर हमें ये चिकन को पकाना है। बार बार उलट पलट करते जाएं और तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स नहीं आ जाते। डार्क स्पॉट्स आने लगे बस वहां तक ही हमें पकाना है, क्योंकि हमें फुल्ली चिकन को गलाना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ ये है कि दोनों ओर से जो डार्क स्पॉट्स आ जाए बस वहां तक ही हमें चिकन को पकाना है। ये देखिए आ गए ना डार्क स्पॉट्स। इसका मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब आप चाहें तो इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लेट के अंदर, बट मैं तो एज इट इज़ इसे यही फ्राई पैन के ऊपर रख रही हूँ और थोड़े से और ग्रिल हो जाएंगे तो बस मैं ये वाले फ्राई पैन को साइड पे हटाकर जो जिसमें हमने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था ना फिर से वही पतीली ले रही हूँ और अब उसमें हम सालन को बघार लेते हैं। इसमें तेल डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 50 ग्राम मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। मक्खन पिघला नहीं था तभी मैंने डाल दिया था, सो दैट मक्खन पिघल भी जाएगा और हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून जाएगा। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया कि मक्खन जल ना जाए। चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक या नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं,
दो छोटे चाय के चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे मेरा नॉन स्पाइसी, आपका स्पाइसी हो तो आप आपके स्वाद अनुसार कम डालिएगा। आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए। आधे मिनट तक ही मसालों को भून लीजिए। आधा मिनट हो जाए स्लो आंच पर तो वो जो हमने पीस कर रखा है वो सारा यहाँ डाल दीजिए। प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाकर रखा था वो डालकर इसे चला लीजिए। सबसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी। वैसे ही आधा कप पानी मैंने मिक्सर जार के अंदर चलाकर डाला है। अब डालने के बाद मिक्स कर लीजिए और हल्का उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का उबाल आ जाए फास्ट आंच पर तो स्लो आंच करके ढक कर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए कुछ मिनटों में तो ये भून चुका है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और मसाला और ज़्यादा भून चुका है। मैंने क्या किया, चूल्हा बंद कर दिया है इस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर उड़ रहा था और ढक दिया। फिर एक दो मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर वो जो मसाला जिसमें हमने मैरिनेट करके चिकन रखी थी वो सारा मैं डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो वो भी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और यहाँ पर मैं 150 ग्राम फेटी हुई दही, मतलब हाथों से ही मैंने फेंट लिया था, चम्मच से फेंट कर डाल दिया यहाँ पर और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे बार बार कंटिन्यूस फास्ट आंच पर एक मिनट तक चलाते जाएं कि दही कड़ल अपना हो जाए। जब एक मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक दही नहीं भून जाती और तेल नहीं छूट जाता। चलिए कुछ मिनटों में तो ये देख सकते हैं आप भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। तो अब डाल दीजिए जो काजू का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो सारा डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए और स्लो आंच करके दो तीन मिनट इसे भी पकने दीजिए। लेकिन बीच बीच में एक दो बार चलाते जाइएगा क्योंकि काजू का पेस्ट क्या है ना, नीचे लगने का बहुत डर रहता है। तो बीच में एक दो बार मैंने चला लिया था। हाँ चलिए अब 3-4 मिनट हो गई है। अगेन तेल आप देख सकते हैं छूट चुका है। तो यहाँ पर ये जो चिकन पीसेस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे डाल दीजिए और इसके साथ साथ जो तेल है मैं ये भी सारा पैन का डाल देती हूँ इसके अंदर। एक या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। आप चाहें तो भून कर फिर क्रश करके डाल सकते हैं। आधा कप जितना पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अगर आपको लगे कम लग रहा है तो चूल्हा मैंने फास्ट आंच पर चालू कर दिया और एक बार चला लीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 8-10 मिनट तक पकने दीजिए क्योंकि हमारी चिकन पकी हुई नहीं है, गली हुई नहीं है ना, उसे गलानी है। अच्छा, मैंने दो बार 1/4 कप पानी डाला है। एक बार मैंने मैरिनेशन वाला जिसमें करके रखा था उसमें डालकर चलाकर डाला और एक 1/4 कप मैंने जिसमें जार में पीस के रखा था उसमें चलाकर डाला। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। मेरी चिकन छोटी थी तो बहुत अच्छे से गल ही चुकी होगी। अगर आपकी बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम लगाएगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितनी मलाई डाल देती हूँ, मैंने बाज़ार के लिए, आप घर की भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। एक हरी मिर्ची बारीक काट कर मैं डाल देती हूँ और 50 ग्राम मक्खन और आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्लो आंच पर ही है और इसे ढक कर 1-2 मिनट तक पकने दीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है ना, हमने मलाई डाली है। चलिए 1-2 मिनट हो गया, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। यहाँ पर मैं एक वाटी रख देती हूँ और कोयला साइड पर मैंने गर्मा गर्म करने रखा था चूल्हे पर। ये गर्म हो गया, इसको इसमें डाल दीजिए और घी तेल या मक्खन डालकर इसके ऊपर क्विकली ढक दीजिए और कुछ उसके ऊपर वजन रख दीजिए। 5 मिनट के बाद ये जो स्टील की वाटी है इसे निकाल लीजिए और कोयले को फेंक दीजिएगा। तो क्या धुएंदार खुशबू आ रही है, कोयले की मज़ा आ गया एकदम। और ये बन गया हमारा चिकन चंगेजी। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए और गर्मा गर्म इसे प्याले में निकालें और सर्व करें। आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गया हमारा, आप चाहें तो रेस्टोरेंट स्टाइल कहिए या फिर ढाबा स्टाइल कहिए, चिकन चंगेजी रेडी है। अच्छा, आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ लाल मिर्चियाँ का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। चिकन की बढ़िया सी रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है। असलम बटर चिकन है, नॉर्मल बटर चिकन, बहुत सारे ग्रेवीज की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही है, चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी अच्छी। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।